हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड्स। आज मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का सैंडविच। उसके लिए मैंने लिए 10 से 15 पनीर के क्यूब, चौकोनी आकार में कटी हुई शिमला मिर्च, चौकोनी आकार में कटी हुई टमाटर, कसूरी मेथी, तेल, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धना जीरा पाउडर, नींबू का रस और नमक। अब हम बनाएंगे पनीर टिक्का का मसाला। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी और नमक। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच इतना नींबू का रस और फिर उसमें मैं 4 से 5 चम्मच तेल मिलाकर इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच नींबू का रस और डाला है और अब इसमें हम तेल मिलाकर इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं अब पनीर टिक्का का मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स, कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए टमाटर इसमें हम बनाए हुए मसाले से कोट करेंगे। अब इन चीज़ों को मैं बनाए हुए मसाले में अपने हाथों से अच्छे से कोट करूंगी और फिर हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए अलग से रख देंगे। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए बनाए हुए पनीर, कैप्सिकम और टमेटोज के स्लाइसेस को हम तवे पे अच्छे से रोस्ट करेंगे। दो से तीन मिनट बाद मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी और इसे सभी साइड से अच्छे से रोस्ट करूंगी। पनीर टिक्का मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स मिलाया हुआ है, ओरिगैनो, बनाया हुआ पनीर टिक्का, ब्रेड स्लाइसेस और ग्रेट किया हुआ चीज। पनीर टिक्का सैंडविच बनाने के लिए मैं लूंगी एक ब्रेड स्लाइस, उसके ऊपर मैं लगाऊंगी 1 चम्मच जितना ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी टोमेटो सॉस जिसमें मैंने आधा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स मिलाया हुआ है। अब उसके ऊपर रखेंगे हम पनीर के क्यूब्स। और एक तरफ हमें रखना है रोस्ट किया हुआ कैप्सिकम और दूसरी तरफ हमें रखना है रोस्ट किया हुआ टोमेटो स्लाइस। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कैसे रख रही हूँ। अब बनाए हुए सैंडविच के ऊपर मैं डालूंगी ग्रेट किया हुआ चीज। चीज डालने के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ओरिगैनो। पनीर टिक्का सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसे तवे पे रोस्ट करेंगे। सैंडविच को मैंने तवे पे रख दिया है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए
और फ्लेम को हमें स्लो रखना है ताकि ब्रेड नीचे से क्रिस्पी हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं पनीर टिक्का सैंडविच बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके 4 पीसेस करेंगे। पनीर टिक्का सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। चीज़ी और टेस्टी पनीर टिक्का सैंडविच सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।